हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आज की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वीवो S1 के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास वीवो S1 है तो दोस्तों हो सकता है इन फ्यूचर कभी किसी कारण या फिर किसी वजह से आपके फ़ोन की फ्रंट डिस्प्ले या बैक कवर या फिर बैटरी या फिर फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा या मदरबोर्ड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उसको अगर आप रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे तो बिना सर्विस सेंटर जाए हुए आपके जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको नहीं पता पड़ेगी। पर दोस्तों, आज की वीडियो आपको बताऊंगा वीवो S1 के जितने भी पार्ट्स आते हैं सारे पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि हमारी हर ऐसी रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए थोड़ी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करो वीवो S1 के बैटरी की। दोस्तों, हालांकि बैटरी इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती है, कुछ साल चलने के बाद आपकी जो बैटरी बैकअप कम हो जाता है फिर बैटरी ख़राब हो जाती है। वैसे में दोस्तों, बैटरी रिप्लेसमेंट करने जाएंगे तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1020 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 1020 रुपये आपको वीवो S1 के बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, वहीं पर बात करूँ वीवो S1 के दोस्तों बैक कवर या फिर बैक ग्लास आप बोल सकते हो, इन फ्यूचर टूट जाता है अगर उसको आप रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1340 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 1340 रुपये वीवो S1 के बैक कवर या फिर बैक पैनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, वहीं पर बात करूँ वीवो S1 के दोस्तों मेन चीज़ जो कि डिस्प्ले। दोस्तों, डिस्प्ले आपको पता है कि वीवो S1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको सिक्योरिटी मिलती है। तो हो सकता है इन फ्यूचर दोस्तों अगर आपके डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आती है अगर उसको रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 4000 के आसपास आपको देने पड़ जाएंगे, यानी कि 4000 के आसपास आपको फ्रंट डिस्प्ले या फिर फ्रंट स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ वीवो S1 के फ्रंट कैमरा, यानी फ्रंट कैमरे में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर उसको रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1500 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 1500 रुपये आपको वीवो S1 के फ्रंट कैमरे रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ वीवो S1 के रियर कैमरे, जो कि आपको एक अच्छा क्वाड कैमरा मिलता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर पूरे मॉड्यूल सिस्टम को अगर रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 1200 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 1200 रुपये आपको वीवो S1 के रियर कैमरा सेटअप रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ वीवो S1 के मेन बोर्ड, जो कि दोस्तों मदर बोर्ड है, इन फ्यूचर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है अगर उसको पूरा सिस्टम को चेंज कराना चाहेंगे तो आपके वेरियंट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका वेरियंट 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है तो उसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 8500 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 8500 रुपये आपको वीवो S1 के मेन बोर्ड या फिर मदर बोर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पड़ जाए। तो दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। दोस्तों, आज की बस इतना है। दोस्तों, वीवो S1 के जितने भी पार्ट्स है सारे रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको बता दी। हालांकि दोस्तों, एक चीज़ और नोट करने की बात, दोस्तों अगर आप वीवो सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, जो कि एक है सर्विस चार्ज, एक है GST। दोस्तों, ये चार्ज जो आपसे अलग से लिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल करिए ताकि हमारी हर ऐसे रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीवो S1 से जितने भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं।